हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही कॉमन डाउट के ऊपर। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि भैया 40-50 मार्क्स आ रहे हैं, मुझे सीएस मिलेगा क्या? मेरे 50 मार्क्स आ रहे हैं, मुझे आईटी मिलेगा क्या? बहुत सारे बच्चों को सिर्फ कंप्यूटर साइंस और आईटी चाहिए होता है, ठीक है? तो उनके 40-50 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 200 और वो उनके डाउट से कि सीएस आईटी मिलेगा क्या, बिल्कुल जेन्युइन डाउट है। डाउट में कोई ये नहीं यार, आपको मिलेगा या नहीं इसका एक साइंटिफिक आंसर दूंगा, लॉजिकल आंसर दूंगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना है, बीच बीच में स्किप नहीं करना है, ठीक है? वीडियो शुरू होने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लास्ट ईयर ऐसे बहुत सारे बच्चे थे यार जिनके कम परसेंटाइल थे, कम मार्क्स थे, फिर भी आज वो महाराष्ट्र के एक बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। एक ही चीज उन्होंने अच्छे से की, वो है कॉलेज लिस्ट अच्छे से बने। और ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनके 96-97 परसेंटाइल है, फिर भी आज वो जिस कॉलेज में उनको पढ़ना चाहिए, महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में उसको पढ़ना चाहिए, वहां पर नहीं पढ़ रहे, वो बिलो एवरेज कॉलेजेस में पढ़ रहे। कहा गलती कहा हुई उनसे, एक ही गलती हुई, कॉलेज लिस्ट अच्छे से नहीं बनाई। जो कैपराउंड में आपको पेस्ट करनी होती वो कॉलेज लिस्ट अच्छे से नहीं बनाई। तो आपको ये गलती नहीं करनी। आपको अगर 350 कॉलेजेस की आइडिया नहीं होगी महाराष्ट्र के, तो प्लीज किसी और से कॉलेज लिस्ट बनवा लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहां से आप फॉर्म फिलअप कर देना, आपको एक महाराष्ट्र के बेस्ट काउंसलर्स द्वारा बेस्ट कॉलेज लिस्ट मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। लास्ट ईयर सीओईपी, विजिटर, वाचन, पीएससीटी, वीआईटी कॉलेजेस में जो जो न्यूटन एडुकेटर्स के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उन सबकी कॉलेज लिस्ट उन्होंने ही बनाई है। तो प्लीज प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, यहां पे उनका पोस्टर लग रहा होगा, ठीक है? जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर देना। तो सीएसआईटी मिलेगा या नहीं इसके ऊपर अभी हम डिस्कस करते हैं। तो देखो यार, सीएसआईटी आपको मिल जाएगा, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ठीक है? टर्म्स एंड कंडीशन में पहली टर्म्स एंड कंडीशन है आपकी कैटेगरी कम होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपकी कैटेगरी एससी है, एसटी है, कम इन द सेंस, आपको मैं ऐसे बोल रहा हूँ मार्क्स वाइज कम, ठीक है? ऑफेंसिवली मत लेना उस चीज को। अगर आप ओबीसी में हो, एससी में हो, एसटी में हो, एनटी में हो, तो आपको वहां पे जरूर सीएसआईटी मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है? लेकिन अगर आप ओपन कैटेगरी से हो, मतलब ज्यादा मार्क्स वाले, ज्यादा मार्क्स लगते हैं उस कैटेगरी को, उस कैटेगरी से हो, तो आपको वहां पे एडमिशन मिलना मुश्किल है, ठीक है? तो ओबीसी, एससी, एसटी वालों को कौन से कॉलेज, मतलब अच्छे कॉलेजेस में मिल जाएगा क्या? नहीं, उसमें भी ओबीसी या फिर ओबीसी वालों को थोड़ा सा लोअर कॉलेजेस में मिलेगा, लेकिन जो एससी, एसटी, एनटी ये जो कैटेगरीज है, उनको मॉडरेट कॉलेज में सीएसआईटी मिल जाएगा, ठीक है? मॉडरेट इन द सेंस आपके टॉप 30-40 में नहीं आते, वो टॉप 50 के बाद जो कॉलेजेस आते हैं उनमें आपको मिल जाएगा, सीएसआईटी मिल जाएगा। जो ओपन है, ओपन कैटेगरी वाले हैं, जनरल कैटेगरी वाले हैं, उनको 40-50 मार्क्स पे सीएसआईटी कते ही नहीं मिलेगा, ठीक है? नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा उनको, ठीक है? तो क्लैरिटी आ गई होगी कि किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा। अगर आपके 40-50 मार्क्स है, ठीक है, तो अगर आपको एकदम बिलो एवरेज कॉलेज चाहिए, ठीक है, तो वहां पे थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाती है। अगर मिल सकता है तो हम आपको कॉलेज लिस्ट में जरूर डाल देंगे कि हाँ ये कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी है, तो वो कॉलेज लिस्ट आपके कॉलेज आपके लिस्ट में जरूर होगा, ठीक है? पूरी रिसर्च की जाएगी यार, आपके डेटा सेट के ऊपर पूरी रिसर्च की जाएगी, आपका परसेंटाइल, आपकी कैटेगरी, आपका कौन से सिटी से हो, कौन से सिटी में कॉलेजेस चाहिए, सब चीजों का डेटा एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग आपको लिस्ट मिलेगी। तो प्लीज प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है आपको। व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक अगर आप ज्वाइन नहीं होंगे हुए होंगे तो प्लीज ज्वाइन हो जाना, वहां पे मैं अपडेट्स वगैरह शेयर करता रहता हूं। तो यही सारी चीजें थी आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो, जेन्युइनली अच्छा लगा हो, लाइक करो, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करो। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी आर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।